What's up YouTube, this is Rohit Kitrena back with another video. What's up guys, this is Rohit Kitrena back with another video. What's up guys, this is Rohit Kitrena back with another video guys. जितने भी लोग men's physique compete करने आ रहे यार, रहने दो यार, जितना तुम्हारा भाई है, रहने दो, जीतेगा तुम्हारा भाई, चाहे तुम कुछ कर लो, जितना तुम्हारे अंदर दम है। Rohit Khatri is undoubtedly one of the pioneers of Indian fitness industry. There was a time when Rohit was considered the god complex of YouTube fitness scene. लेकिन अभी सिनेरियो बदल चुका है। आज के दिन रोहित को YouTube का सबसे बड़ा क्लाउन माना जाता है। हर इंसान जो YouTube पे एक्टिव है उसको ट्रोल करता है, कमेंट्स में उसको खूब गालियां पड़ती हैं। कैसे उसने अपनी सुप्रीमेसी खो दी और एक ओवररेटेड यूट्यूबर बन के रह गया, चलिए जानते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ रोहित खत्री फिटनेस। वीडियो को लास्ट तक देखना वरना चीजें आधी समझ में आएंगी और कुछ कॉमेंट कर दोगे फिर उसे एडिट करना पड़ेगा। रोहित ने YouTube पे अपना पहला वीडियो डाला 19 दिसंबर 2016 को। He was just a small town boy hitting the gym and uploading videos of his interest. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने यूथ को इतना टाइटली टारगेट कर लिया कि एक टाइम पे वो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल का ओनर बन गया। 2016, 17, 18 ये वो साल थे जब इंटरनेट बहुत बड़े स्केल पे अवेलेबल होना शुरू हो गया था और फिटनेस एक ऐसा नीश है जो यूथ को अट्रैक्ट करता ही करता है और बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस इसका सबसे बड़ा रीजन है। एक मस्कुलर बॉडी अचीव करने का यूथ में एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। ये देखा जाए तो सही भी है लेकिन ये गलत तब हो जाता है जब लड़के रोहित जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बॉडी को चेज करना शुरू कर देते हैं। रोहित खत्री ने अपनी लिफ्टिंग शुरू करने के 2 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी। इन नो सेंस ये नेचुरली अचीव की गई फिजिक है और रोहित ने पहले कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस का सहारा लिया है। एंड व्हेन पीपल स्टार्ट टू फॉलो हिम उन्हें ये लगता है कि ऐसी बॉडी आराम से अचीव की जा सकती है। आराम से नहीं मतलब नेचुरली बिना रोहित के। ऑब्वियसली हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व्ड एंड डाइट का भी उतना ही काम है। और ऐसी ड्रीम फिजिक बनाने के लिए लड़के जिम्स में जाते हैं, 1-2 साल तक हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लड़कों को तो 6 महीने में चाहिए, लेकिन प्रॉपर डाइट सप्लीमेंटेशन एकदम ऑन पॉइंट होने के बावजूद सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे इतनी मसल्स नहीं बिल्ड हो पाती हैं। देन दे लुक फॉर शॉर्टकट्स, फिर टेस्ट के इंजेक्शन लगने चालू और PEDs का प्रॉपर यूज किया जाता है। और आजकल हर जिम के अंदर लोकल एरियाज के जिम्स में भी वेट से पहले एनाबॉलिक्स पकड़ा दी जाती हैं। देखो, I'll tell you what happened in my gym, ठीक है? मेरे कॉलोनी के बाहर एक जिम है, ठीक है? वहाँ पर I used to work out over there. तो मैं जाता था वहाँ पे। एक दिन ऐसा हुआ कि 3-4 दिन हुए थे बस गए हुए नए लड़के को, 3-4 दिन, अभी तो न्यू बिगिंस भी नहीं आए थे, right. है ना? उसका ओनर आता है, मेरे को ऐसे हाथ मिलाता है, तो मैं भी हाथ मिला लिया, चलो ठीक है, शेक हैंड, मतलब ऐसे ही करते नहीं है, पहली बार मिलता है जब ऐसे, मैं घुसा था जिम में, मैंने हाथ ऐसे हटाया, मैंने देखा मेरे हाथ में गोलियां। What? Yeah, it was Dynabol. और जो साइकिल होती है करनी पड़ती है। My God, करनी पड़ती है। मतलब जो वो करवाता है, मतलब वो करवाता है और वहाँ पर जो लोग करते हैं उनको करनी पड़ जाती है क्योंकि वो इसी चक्कर में, उसने इतना कॉन्फिडेंटली दिया उसने मेरे को जैसे मैं कर ही लूंगा। और मैंने उसके साथ happening in the gym in India. Yeah, I'll tell you something. उसने मैंने फेंक दी उसके सामने, चढ़ गया, बोलता वापस कर देता। मैंने मतलब क्यों करूँ भाई, मैंने मांगी देर से, है ना? तुमने दी क्यों मेरे हाथ में, पहली बात है। अब दूसरा ये कि भाई मैं हफ्ते भर से, 2 हफ्ते भर से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वगैरह कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ना बिल्ट लोग अच्छी तरीके से आ रहे हैं, वहाँ पर जिम वगैरह कर रहे हैं, एंड साथ में ना एक डॉक्टर अंदर घुसता है, लड़का आदमी डॉक्टर लेके बैठा, 3 इंजेक्शन, ठीक है? दीज गाइज हु हैव बीन वर्किंग आउट फॉर लेस देन एन ईयर, इंजेक्शन लेके बैठे हैं वो, देयर लाइंग डाउन एस नेकेड, ठीक है? और एक एक इंजेक्शन मारा उसने, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी चॉइस है, तुमको इफ यू नॉट डू इट, डू इट, ठीक है? यू नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू इट, राइट? तुम अपने मन से करो भाई। वो डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर है। उसने जिंदगी में सुई लगाना नहीं सीखा यार अपने कोर्स में। माय गॉड ब्रो, मैं तो भाई उस पर सू कर दूं उस बात पे इसको कि तू कैसे लगा पा रहा है भाई, तेरे को तो आता भी नहीं होगा ना ये लगाना है। होम्योपैथिक डॉक्टर को कैसे नॉलेज होगी इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और ये ना मैं ये इंजेक्शन वगैरह लगाने की। वो तो ठोक रहा है बच्चों के, ही इज नॉट इवन स्टेरिलाइजिंग देयर एसेस भाई, वो स्पिरिट लगा के सीधे। इतना नॉर्मल हो गया है स्टेरॉइड यूज की कोई हद नहीं है। ऑब्वियसली आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और कोचेस के अंडर, और तब जब आप उस बॉडी से लाखों रुपए कमा रहे हो। एक लड़का जो अपने पेरेंट्स के पैसे से डाइट सप्लीमेंट्स और जिम कर रहा है वो स्टेरॉइड्स लेके भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ साइड इफेक्ट हो गए तो और पैसा खर्च। अब अगर आप कम्पीट करते हो तो बात अलग है। और ये सब किस वजह से हुआ, मस्कुलर बॉडी के स्टैंडर्ड्स मीट करने के चक्कर में। लेकिन आज के दिन रोहित को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ही इज ओपन अबाउट हिज एनाबॉलिक यूज। नाम इसलिए नहीं लेता हूँ किसी भी सॉल्ट का क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाम सुन के एक पर्टिकुलर सॉल्ट का वो ऐड कर ले। मैं ये सॉल्ट चला देता हूँ भाई, भाई ने ये बोला था, ठीक है, कि इस सॉल्ट से ये होता है, कटिंग के सॉल्ट होते हैं, गेनिंग के सॉल्ट होते हैं,
ये नहीं करना मेरे को, मेरे को आप लोगों से ट्रांसपेरेंट रहना है, बताना है कि ऐसे होती है चीजें, ना कि आप लोगों को ये बोलना है कि इस सोल्ट से कटिंग होती है, इस सोल्ट से गेनिंग होती है, ये बढ़िया ये बेकार है, ये नहीं लेना चाहिए, गोली नहीं लेनी चाहिए। भाई ये सारी चीजों में नहीं पढ़ो, मत पढ़ो जब तक आप एक प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जाना चाहते, ठीक है। मैं बोल दूं भाई ये सोल्ट होते हैं, कोई इंसान चला ले, किसी को कुछ हो जाए, भाई नहीं समझो। तो मेरे को ये मैसेज मत करो कि भाई कौन सा सोल्ट चलाऊं मैं, ठीक है, या ये सोल्ट कैसा है। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे साथ क्या हो रहा है साइकिल चलाने पे, कंपटीशन कैसे मैं खेल रहा हूँ। ये सब बातें करने से बहुत फर्क पड़ता है यूथ पे, और इसके लिए एप्रिसिएशन बनता है। बाकी क्लिकबेट वगैरह करने की गंदी आदत है उसकी, अपने वीडियो पे क्लिक करवाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। शुरुआत रोहित ने बहुत सही की, बेसिक फिटनेस टिप्स दे के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूबीज के लिए। प्रॉपर मूवमेंट्स, प्रॉपर फॉर्म और कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये रोहित ने प्रॉपरली बताया अपने वीडियोस में। लेकिन बात तब बिगड़ी व्हेन हिज ग्रीड फॉर मनी किक्ड इन। जो कुछ भी सेंसिबल बातें वो पहले करता था, उसने ब्रांड्स मिलने के बाद उन बातों को डिनाई करना शुरू कर दिया। ऐसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, डायरेक्ट उन्हें इतना चीप प्रोडक्ट मिला के बेचो और उनका वेट गेनर, मास गेनर थोड़ी होता है यार कुछ तो। कभी भी आपका कितना ही कम वेट हो, प्लीज 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 मास गेनर बाय मत करो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक मास गेनर जो आपका वेट गेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये है ज़ीनथ न्यूट्रिशन का मास गेनर। ये फॉरगॉट कि मुझे एशिया के सबसे बड़े फिटनेस चैनल की हायरकी मेंटेन करनी पड़ेगी। ब्रांड्स के चक्कर में वो इतना पागल हो गया कि उसने अपनी ब्रांड वैल्यू गिरा ली। श्वेताब गंगवार का भी रोहित के बारे में एक ओपिनियन है, वो सुन लो। क्योंकि जब मुझे पहली बार मिला था इंसान के पास सिर्फ दो चीजें थी बात करने की, भाई सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, भाई पैसा कितना कमाते हो, पैसा कैसे कमाएं, और भाई यूट्यूब बंद तो नहीं हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग ही डिड वाज फॉर मनी। व्लॉग शुरू कर दिए, गर्लफ्रेंड को वीडियो में लाना शुरू कर दिया, 1 करोड़ का घर जैसे इररिलेवेंट टाइटल्स और थंबनेल्स, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। फिटनेस नीश है उसका, स्टिल ही मेड अ वीडियो ऑन YouTube वर्सेस TikTok। जहां उसको व्यूज दिख रहे थे, ही स्ट्रेट अप जंप्ड इन द टॉपिक। एन एक्सेसिव ब्रांड प्रमोशन इज द थिंग जिसने उसको बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू कर दिया। करते गाइस मैं क्या यूज करता हूं, कौन सी प्रोडक्ट लगाता हूं, तो गाइस ये है वो सारे प्रोडक्ट। मैं बताता हूं गाइस वो सीक्रेट। अब देखो गाइस ये यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्टर देखो इस कंपनी के है ना, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है और ये थोड़ी महंगी कंपनी है, पर BCAA पी रहा हूं। उसने एक्सट्रीमली चेज किया है पैसे को। 2021 एमेच्योर ओलंपिया में रोहित ने कम्पीट किया, उसकी लाइफ का सबसे पहला कॉम्पिटिशन था शायद, लेकिन ही वॉज डैम श्योर कि वो उसको जीतेगा। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो भाई, जीतना भाई भाई तो रहे, जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई। वो मेंस फिजिक कैटेगरी में कम्पीट करने वाला था, और इंडिया में जितना इस कैटेगरी में कंपटीशन है उस हिसाब से रोहित का अपने पहले शो में जीतना इम्पॉसिबल था। अब बिग रैमी ओलंपिया कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि विंटर इज कमिंग, क्योंकि उसको पता है कि वो विंटर ला सकता है। और जब एमेच्योर ओलंपिया की प्री जजिंग कम्प्लीट हुई तो रोहित ने अनाउंस किया कि वो टॉप 10 में आ गया, लेकिन कॉम्पिटिशन के रिजल्ट के बाद पता चला कि उसकी कोई प्लेस नहीं आई है। अब वो किस टॉप 10 की बात कर रहा था ये किसी को नहीं पता। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको बहुत प्रेज किया गया और किया जाना भी चाहिए, उसने सच में एक अमेजिंग बॉडी प्रेजेंट की थी स्टेज पे। साइज सिमेट्री पोजिंग रूटीन को बहुत ही ज्यादा परफेक्टली बैलेंस किया था। अगर वो इतने टोल क्लेम्स ना करता तो उसको और भी अप्रिशिएट किया जाता, लेकिन बातों में रहना उसकी गंदी आदत है जिसको वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकता है। इस चक्कर में कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत हुई है उसकी, साहिल खान के साथ भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, सिक्स पैक्स के साथ भी उसने काफी लंबा बीफ चलाया। इसके बाद इस पर रोस्ट वीडियोस बनना शुरू हो गए और वहीं से इसकी इमेज खराब होनी शुरू हुई। थैंकफुली अब इसकी एक्टिव ऑडियंस काफी कम बची है, बची खुची ऑडियंस को होल्ड करने के लिए अब ये ग्लैमर का सहारा ले रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ब्रांड उसने बिल्ड कर लिया है कि उसके पास ठीक ठाक स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, कंफर्ट में कट सकती है उसकी लाइफ, फिर क्यों वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कंपीट करने के बारे में सोच रहा है। कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, लेकिन वो ये कर रहा है और सही पेस में कर रहा है। अच्छे जेनेटिक्स हैं, कम उम्र है, इसको पूरे पोटेंशियल से कर ले तो बहुत ब्राइट फ्यूचर होल्ड करता है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट ऑन द वे।